रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ की रेवड़ी। हम लोग तिल और गुड़ से लड्डू बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं, तरह तरह की रेसिपी बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम आज गुड़ और तिल की रेवड़ी बनाएंगे। आप इसे लोहड़ी पर बना सकते हैं, मकर संक्रांति में बना सकते हैं, या जब भी आपकी इच्छा हो इसे बनाकर खा सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। ये हमने 150 ग्राम गुड़ ले लिया है और 100 ग्राम हमने तिल लिया है। ये सफेद तिल है, मैंने इसे साफ करके रख लिया है। 1 चम्मच घी और हमने 1/4 टीस्पून सोडा लिया है। आपके पास अगर मीठा सोडा नहीं है तो आप इनो पाउडर भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा हमें चाहिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। तो हम तिल को डाल देंगे, बहुत जल्दी से भून जाता है। हमें इसे बराबर चलाते रहना है जिससे कहीं से जले ना, क्योंकि जलने के बाद ये कड़वी हो जाती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसे हमें बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनना है। बस हल्का सा इसे हमें ब्राउन करना है और तिल हमारा फूल जाएगा और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, इसमें से हल्की सी चिटचिटाहट आने लगेगी। तो हमें इसे भून लेना है बराबर चलाते हुए। तो तिल हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो गया है। तो इसी तरीके का हमें भूनना है और तिल भी हमारी फूल चुकी है। आप नजदीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा, ऐसे तोड़ करके देखेंगे तो आसानी से टूट रहा है। बस ऐसे ही हमें भूनना है। अगर आपने मीडियम आंच पर तिल को भूना है, आपको लग रहा है कि आंच तेज है और तिल हमारा जल रहा है, तो धीमी आंच पर इसे भून सकते हैं। इसे हमें ऐसे भूनना है कि जलने ना पाए बस। तो बस हमें और नहीं भूनना है, हम गैस को बंद कर देंगे और तिल को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने वापस कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को मैंने ऑन रखा है। और अब हम इसके अंदर गुड़ को डाल देंगे। मैंने गुड़ को पहले से फोड़ करके रख लिया है और इसे हमें बराबर चलाते हुए गलाना है। तो इसके अंदर हम 1 चम्मच पानी डाल देते हैं जिससे अंदर ये अच्छी तरीके से गल जाए गुड़ और नीचे चिपके ना। तो बस 1 चम्मच पानी डालेंगे और बराबर चलाते हुए इसे हम मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो धीमे आंच पर इसे हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे हमें बराबर चलाते रहना है और इसे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है। तो हमें इसी तरीके से इसे पकाना है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसे हम पानी में डालकर चेक करेंगे। तो अभी हम इसे 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो गुड़ को मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है, तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। तो हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और इसमें इसे डाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और गुड़ को बराबर चलाते रहेंगे जिससे जले ना। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे हम तोड़ करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा टूटने लगा है। तो बस ये तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने घी रखा है इसे डाल देंगे और इसमें मेल्ट कर लेंगे इसे। और घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे सोडा और इसे भी मिला लेंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इससे रेवड़ी हमारी सॉफ्ट बनेगी, अच्छी तरीके से कटेगी, खाने में कड़ी नहीं होगी। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिलाने के बाद इसके अंदर हम तिल डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो तिल गुड़ को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इधर मैंने एक पॉलीथीन ली है बन्नी, इस पे मैंने अच्छे से घी लगा लिया है, इस घी से मैंने ग्रीस कर लिया है। तो इस बैटर को हम पॉलीथीन के ऊपर डाल देंगे तो तिल गुड़ को मैंने पॉलीथीन पर निकाल लिया है। तो ये भी काफी गर्म है तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे
से इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे जिससे हाथ हमारा न जले। इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। तो तिल गुड़ हमारा अच्छे से मैश हो गया है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी ये काफी गर्म है तो ये काम हमें इसी समय करना है। तो हमें इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और इस तरीके से छोटी छोटी रेवड़ी हमें बनानी है। ये देखिए इस तरीके से, और हमने पहले से थोड़ा सा कच्चा तिल रखा है, इसमें इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके ऊपर इसे हम लगा देंगे और ये रेवड़ी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरीके से और भी बनाएंगे। तो हमारी लखनऊ की फेमस गुड़ की रेवड़ी बनकर तैयार हो गई है। आपने देखा कितने आसान तरीके से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको चीनी की रेवड़ी बनानी है तो आप गुड़ की जगह चीनी को मेल्ट करके इस तरीके से रेवड़ी बना सकते हैं। मैं आपको एक प्लेट में इसे रख कर दिखाऊंगी, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज बिल्कुल टाइट और अंदर से क्रिस्पी। ये टाइट खाने में टाइट भी नहीं लगेगी और बहुत ही क्रिस्पी लगेगी खाने में। तो इस तरीके से आप रेवड़ी को बनाइएगा। और एक बार आपको ध्यान रखना है, ये जब गर्म रहता है गुड़ तभी आपको फटाफट जल्दी जल्दी रेवड़ी को बनाना है। अगर आप अकेले नहीं बना पा रहे हैं तो घर के और भी सदस्यों को आप ले सकते हैं और 2 से 3 लोग अगर मिलकर बनाएंगे तो रेवड़ी हमारी जल्दी जल्दी बन जाएगी और जल्दी से ठंडी भी नहीं होगी। इस तरीके से आप गुड़ की रेवड़ी बनाइए, खाइए। और आपको मेरी ये रेवड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा और आपको पसंद आई या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहे इसे मोटा भी बना सकते हैं, इसे पतला भी बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है आप देख सकते हैं। और खाने में तो मार्केट से ज्यादा ही टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि हमने इसे घर पर बनाया है। तो आप इस तरीके से रेवड़ी को बनाइए और 1-2 महीने इसे स्टोर करके रख लीजिए और बराबर इसे खा सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख ले तो इसमें सीलन नहीं आएगी तो काफी दिन तक ये चलेगा, खाने में टेस्टी रहेगा। तो इस तरीके से आप रेवड़ी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी रेवड़ी कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।